हीलोबिन मेन स्क्रीन पर आ गई, तो आप मेन स्क्रीन कर दो ना। नमस्ते, एक बार फिर शनिवार की शाम और मैं आपके सामने हाजिर होती हूँ मुखोटे फेसबुक आर्ट ग्रुप के ओर से, और एक अपना फिर से एक नए आर्टिस्ट के साथ अपना इंटरव्यू प्रस्तुत करती हूँ। जैसे कि हम काफी टाइम से ट्रेडिशनल आर्ट के ऊपर एक के बाद एक कलाकारों को आपके सामने ला रहे थे, और ट्रेडिशनल जो भारतीय चित्रकला शैली है उसके काफी सारे पहलू को हमने आपके सामने उजागर किया, परंतु एक और जो मॉडर्न आर्ट जो कि कंटेम्पररी आर्ट जो टेक्निक्स है शैली है वो भी बहुत ही सुंदर और आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, तो उन उसके आर्टिस्ट को भी हमें एक बार मिलना बहुत जरूरी था, तो उसका एक पहलू हमारे कला का एक पहलू हमारे सामने एक और उजागर हो पाए। और जैसे कि अभी आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं बिमल विश्वास जी को, उसके पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। जैसे ये सर 1980 से आर्ट के फैकल्टी में है, और इनका खुद का आर्ट स्कूल है, और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को आर्ट में आगे बढ़ाया है, और उनके जो सिखाए गए जो आर्टिस्ट है वो आज बहुत ही अच्छे मुकामों पे है उपस्थित। तो जैसे ये सर का हम उनके मुंह से ही पूरा उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, तो बिमल सर आप अपने बारे में पहले से थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे आर्ट का जर्नी शुरू किया, आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट किया, और उसके बाद कैसे आप आर्ट की ओर मुड़े, और आपको आर्ट आपके जीवन में आर्ट कैसे आया। सर हेलो। हेलो सर, जी सर, आपके जिंदगी में आर्ट कब से आया और आप पहले किस हाँ सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हुए थे? जी मैं आवाज थोड़ी सी आपकी कट रही है, फिर भी सर, मैं आप समझ गया। जी मैंने कला की शुरुआत, कला तो मैंने अभिरुचि जैसे जैसे बढ़ती चली गई तो मैंने इसके संबंध में जाना, पढ़ना और सीखना शुरू किया। मैं बहुत सारे ऐसे सीनियर लोगों से मिला जब मुझे बचपन में मेरे क्षेत्र के, मैं बिहार बिहार एक बहुत ही ये मतलब प्रांत में मैं रहता हूँ, रहता उस मेरा बचपन बीता है वहीं। मैंने कई कई लोगों से वो मेरे समकालीन में उपेंद्र, बहुत सारे लोग मेरे साथ थे पर वो ज्यादातर साहित्य में अभिरुचि रखते थे और मेरी भी साहित्य में अभिरुचि रही, लेकिन मैं कला के क्षेत्र में, पहले मैंने कविताओं पर चित्र बनाना शुरू किया। मेरी अच्छा कविता चित्रों की संख्या हजारों में होगी, शायद ही कोई अच्छा भारत का, हिंदी का कोई भी कवि ऐसा होगा जिसके काम, जिसके महत्वपूर्ण कविताओं पर मैंने अपने चित्र नहीं बनाए हैं। वो मैं कविता के साथ, तो कविता कह लें आप, तो मैंने काफी सारा कविता पोस्टर बनाया। शुरू में मैं बहुत युवा था और जिस वक्त मैं महाविद्यालय में खुद एक छात्र था, वो भी मैंने अपने अपने अपनी जगह पर, मेरे कई कवि थे, यहाँ के प्रसिद्ध कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री और राजेंद्र प्रसाद सिंह, उन लोग प्रेरणा से मैंने कविता चित्रों की तरफ ध्यान दिया और कविता पोस्टर्स मैंने हजारों की संख्या में बनाए और उसकी प्रदर्शनी राजधानी में और तमाम जगहों पे होती थी और भी वो छपती थी और अप्रिसिएशन मिलना शुरू हुआ। तो फिर इस तरह से मेरा कविताओं के साथ मेरे चित्रों में भाव
प्रधानमंत्री उसमें गति होती है। तो मिला जुला कर देखें तो कविता का मेरे मेरे जीवन में और मेरे मेरे चित्रकला पर भी उसका बहुत ज्यादा। तो आज आज मैं मैंने मैंने 22 साल एक संस्था भी चलाया है जो प्रतिभा कला संस्थान के नाम से और चला है, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मैंने तैयार किए मैंने, जो आज विभिन्न जगहों पर उच्च कला शिक्षा उन्होंने विभिन्न फिर अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाकर, और आज वो बहुत ही ऊंचे अच्छे मकाम पर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मैं आजकल विशेष रूप से जब धीरे धीरे मैंने मैंने वो तमाम किए हैं जो कि शुरुआती दौर में करते हैं या किया जाता है, जैसे मैंने लैंडस्केप्स बनाए, वाटर कलर से स्टार्ट किया, वाटर कलर में दक्षता हासिल की, और धीरे धीरे मैं पोर्ट्रेट, ऑयल ऑयल में फिर मैंने बहुत यहाँ मैं प्रोडक्शन मेरी पहली पसंद है, और एब्स्ट्रैक्ट मैं मेरी दिलचस्पी करके चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें प्रस्तुत करूँ और इस तरह से भिन्न शैली में मैं और मैंने मैं समझता हूँ कि इस मामले में मैं कुछ थोड़ा बहुत तो कामयाब हुई। क्या आपने आज मुझे आमंत्रित किया है और अपने पास बुलाया है? जी सर, आप सुन पा रही हैं? जी सर, मैं आपको बहुत क्लियर सुन पा रही हूँ। बीच में थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, बट फिर भी अच्छा, अभी आप ये बताइए कि आपके जो कविता चित्र है तो वो किन विषयों पे आधारित थे? आपने जो कविता चित्र बनाए वो किन विषयों पे आधारित थे? हाँ मैडम, बातें कट प्लीज साफ। वो कविताओं का जो विषय होता है उसी विषय से पर आधारित होती है, और मैं आज भी बनाता हूँ, और मेरे मेरे फेसबुक अकाउंट पर वो बराबर देखा जा सकता है। मैं भी अभी हाल फिलहाल मैंने इन्हीं दिनों शायद नीलू जी नजर भी पड़ी हो आपकी, मैंने वो मतलब डॉक्टर पूनम सिंह जो यहाँ बहुत ही सिद्धस्त कवयित्री हैं, और व्यापी तत्व ये राजकमल चौधरी और हिंदी में राजकमल चौधरी का बहुत ऊंचा मुकाम है, और इस तरीके से उन चीजों पर मैं बराबर काम करता रहता हूँ। अभी हाल फिलहाल अभी अभी मेरे फेसबुक पर अभी दो कविताओं के साथ मेरे दो चित्र आए हुए हैं। अब तो क्या है कि अभी तो सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, तो मैं भी ऑन ही कविता चित्र अपने प्रदर्शित करता हूँ। जी सर, और सर आपका रुचि जो है वो कौन से विषय पे सबसे ज्यादा है? आपका जो रुचि है वो कौन से विषय पे ज्यादा है? हाँ जी, चित्रकला में मीन्स मॉडर्न आर्ट में भी, कंटेम्प्रेरी में भी कौन से विषय ज्यादा पसंद कर रहे हैं आप? वो मैं अमूर्त चित्रकला मतलब एब्स्ट्रैक्शन पर ज्यादा काम करना पसंद कर रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्शन ही पहली पसंद है, और मैं एब्स्ट्रैक्शन को समझने के क्रम में जो कुछ भी मैं देखता हूँ, परसीव करता हूँ, उसको एब्स्ट्रैक्ट उसका आपको नॉन ऑब्जेक्टिव भी है, नॉन रिप्रेजेंटेशनल भी है, उसको आप कह सकती हैं नॉन फिगरेटिव भी बोलते हैं, और लेकिन अगर देखा जाए कायदे से तो कोई भी कला जो होती है एब्सोल्युटली नॉन फिगरेटिव नहीं होती, बराबर। चीज की तो
अब यही सब समझ है, और मैं काम करता हूँ और मैं उस चीज की तलाश करता हूँ कि मेरा मेरा जो भाव पक्ष है, जो सांगीतिक पक्ष है, जो लिरिसिज्म है, और जो भावनाओं का उद्रेक है, वो मेरे चित्र जी। अच्छा सर, आप मुझे एब्स्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, क्योंकि अब एब्स्ट्रैक्ट जो आर्ट है उसके कंसेप्ट कैसे लिए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मतलब एब्स्ट्रैक्शन तो यू सेजान और वॉन गो से ही ऐसी कला में घुसने लगी, एंड हो गया इसका एब्स्ट्रैक्ट। और देखा जाए, सबसे पहले तो मुझे हमें यह समझना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट हम कहें कि एब्स्ट्रैक्ट वो प्राय वो जो भाव भाव व्यक्ति होती है, वो भाव प्राय जितने भाव हैं वो तब तो अब हम उस कला अब उसे कैसे पेश करेंगे, कैसे उसको दर्शाएंगे, तो वो गति से, लय से, ताल से तो पकड़ना। और इस क्रम में जब हम मतलब कैंडिंस्की के मतलब थियरी ऑफ है, तो एनालिटिकल उनका एनालिसिस, एनालिटिकल अप्रोच और सिंथेटिक अप्रोच, तो वो सिंथेटिक और एनालिटिक जो उनका मतलब जो एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, वो भारतीय चित्रकला में तो है ही। जी लेकिन जब पत्थरों पर हमारे वो पत्थरों पर उकेरे गए चित्रों को हम देखें, बहुत एब्स्ट्रैक्ट, उस प्रागैतिहासिक काल के जी सर, जो पत्थर युग के, तो वहां वारली का मेरा ये है पेंटिंग कि और बॉन्ड एब्स्ट्रैक्शन कोई ऐसी पेंटिंग, चीज नहीं है जो आज कैंडिस की आया है जी सर। जी। तो और सर, मैं खास तौर पे अभी हाल अभी खास करके पॉल क्लीस, वो जर्मन कलाकार थे, स्वीडन में पैदा हुए थे लेकिन बाद में वो जर्मनी आ गए थे, और पॉल क्ली एक ऐसा नाम है जो कि चित्रकला में उन्होंने 10,000 से ज्यादा चित्र बनाए थे, और उनके जी चित्र देखना और उसे समझना और काफी कुछ समझ में आता है। वो कला में व्यक्त की व्याख्या अब को कैसे व्यक्त हैं, तो ये सब चीजें हैं। और पिकासो हुए, पिकासो का क्यूबिज्म जी भी उस सर, तरफ एक पदार्पण है, कदम है, बराक तो पिकासो, और यूरोपीय कला में अपने भारतीय चित्रकला, आपके मतलब गुजरात से भी मतलब दीवान सुंदरम, वो आप शायद अहमदाबाद के ही हैं, तो इस तरीके से। और हमारे यहाँ खास करके वो रजा हैदर रजा और ये मकबूल फिदा हुसैन और रजा और सूजा, ये सारे कलाकारों को देखने से, पढ़ने से, समझने से काफी कुछ दृष्टि साफ होती है। और इसी तरीके जी से चीजों से बाहर से अंदर से, तो उस परसेप्शन को जब हम जब एक विशिष्ट शैली में उजागर करते हैं, हम अपने में ही एक बड़ी गुरु और बहुत ही एक मतलब ऐसी चीज है जिसे समझने की सबूत किया जा सका है, जिसकी रहेगी और होती है।
सर जो भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी होता है बट उसका मूड उजागर हो जाता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होने के बावजूद मतलब उसमें कुछ भी अमूर्त है फिर भी उसका जो रूप है उसको देख के हमें कुछ ना कुछ ख्याल जरूर आता है, और वो ख्याल ही मेन चीज है कि जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को खूबसूरत बनाता है, कि जैसे उसको देख के हमारे भाव कुछ ना कुछ तो जागते हैं। जी हाँ बिल्कुल। आपको आपको और मतलब प्रवोक करना या आपको आप में उत्प्रेरण का काम करना या आपके भीतर की अनुभूतियों को जगा देना, जी, और नहीं एक काम है। रहस्य हर जरूर बना सबक रहता है आने एब्स्ट्रैक्ट वाला पेंटिंग के उसको आसपास। अपनी तरह से लेगा। जी, जी रंगों जी के जी जो संयोजन होते हैं उससे भी थोड़ा उसका तो भाव ये प्रकट सब होता है। और रेखा रंग और माध्यम, इस माध्यम से हम भावों को पकड़ पाएंगे। जी, वो सर आजकल एब्स्ट्रैक्ट में टेक्सचर का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जैसे हाँ काफी लोग एब्स्ट्रैक्ट में टेक्सचर इस तरह से निकालते हैं कि आप उसको देखते रह जाओ कि टेक्सचर कैसे निकाला होगा, तो वो भी एक चीज एब्स्ट्रैक्ट के अंदर अभी देखने को मिल रही है। हाँ हाँ मैं भी हाँ मैं भी टेक्सचर पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ और टेक्सचर क्रिएट करना चाहता हूँ और मैंने किया भी है। आपने अगर कुछ देखा होगा तो मैं जी टेक्सचर सर, आपके काम बहुत सुंदर है। पर बहुत डिपेंड करता हूँ, वो मुझे बहुत तो और मैं आपके आपका जो मतलब फेसबुक पर जो आपका का ग्रुप है ना, जी जी सर, हेलो जी फेसबुक सर, ग्रुप का पर मैं कभी कभी कुछ चीजें डाल सकता हूँ अपनी। जी सर, आप डाल सकते हैं, बहुत ही खुशी होगी आपके कार्यों को देख के हुए। जी हेलो सर, आप डाल सकते हैं। हाँ तो मैं हमें डालता बहुत ही और खुशी डालता रहूंगा होगी आप डालता रहूंगा हमारे, जी, समय समय। हमारे ग्रुप पे आप डालोगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी और हमें कुछ जानने को भी मिलेगा, क्योंकि हाँ एब्स्ट्रैक्ट मैं आर्ट जो डालूंगा। है वो एक अनटच्ड टॉपिक हो गया है हमारे साथ, बट फिर हाँ भी आपके काम देख के बहुत ही खुशी हुई। हाँ मैं एब्स्ट्रैक्ट होते हुए भी मैं लयात्मकता पर और संगीत संगीत उसके पर ध्यान देता हूँ। जी सर, लय और संगीत आपको भी मेरे चित्र दिखेगा। जी जी सर, सर मैं अभी हम आपके इस पर फेवरेट कहता हूँ एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट कि कौन मैं है? अपने चित्र को इतना दुरूह न बना दूं, इतना सर आपके फेवरेट एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट कौन देखो है कोई एक जिसके नाम तो मैं ले से नहीं आप सकता हूं, प्रेरित? लेकिन वैसे मैंने थोड़ी देर फिर पहले भी ही सर बताया थोड़े, जी हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन विदेशी कलाकारों में तो मैंने अभी आपको बताया पॉल क्ली मेरे फेवरेट हैं। जी और खास करके वो शुरू के दिनों में पद्मसी हैं, दीवान सुंदरम है, फिर आपको सतीश गुजराल और एम एफ हुसैन हुए, सैयद हैदर रजा हुए, और अभी 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 आप कहें तो अभी कंटेम्प्रेरी में भी कई कलाकार हैं मैं देखता हूं और उससे कुछ हेलो जी सर, जी सर, हेलो जी जी सर, तो वैसे वैसे आप टैगोर के रेखांकन और चित्रों को देखा है? जी सर,
मेरे पास एक बुक है सर टैगोर जी की। हमारे यहाँ से एक संस्था चलती है हाँ गुजरात तो कला प्रतिष्ठान, हाँ तो उसमें से बुक मिला है हमें। जी हाँ, तो आप देखेंगे कि हालांकि रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, विश्व विख्यात कला महाविद्यालय हुआ वो, और आज भी है, लेकिन उन्होंने 80 साल चित्र बनाना शुरू किया था रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, और जी 80 साल की उम्र से ही जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो उन्होंने अपने अपने समय से आज ट्रेंड रखा। वही होता है कि कई ऐसे कलाकार होते हैं, बड़े कलाकार होते हैं, जो तो कुछ ऐसा ट्रेंड सेट करते हैं या ऐसी ऐसी मतलब जमीन पे काम करते हैं जो कई कई माने कई मतलब डिकेड्स के बाद, बल्कि कभी कभी तो शताब्दी, वो चीज लो में लोग अपते हैं। जी सर। और सर हमारे जो नवोदित कलाकार हैं जिनको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में इंटरेस्ट है, उनको आप कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे? उन्हें अगर शब्दों में कहना हो तो मैं यही कहूंगा कि जब जब स्थूल चित्रण को वो छोड़ दिया, स्थूल चित्रण से उनका डिपार्चर होगा, तो वो तरफ ही आना होगा उन्हें। क्योंकि नीलू जी, आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब हमें परमात्मा से साकार होना होता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, यानी जब हम आंख बंद कर लेते हैं, यानी संसार हमारे आगे से हट जाता है, तो एक एक मतलब ऐसी ऐसी जगह हम घुसते हैं, ऐसी जगह हमारा हमारा पदार्पण होता है, ऐसी जगह जाते हैं, ध्यान होता है। तो अव्यक्त को ही पकड़ने के लिए बाहर से पहले टच करना होता है, बहुत जो कंक्रीट है, बहुत जो मतलब ऑब्जेक्ट सट के वो भाव पे जाना पड़ता है। नए नए लोग से मैं कहना चाहूंगा कि जब से उनका डिपार्चर होगा तो सूक्ष्म की तरफ ही होगा, तो उसकी तैयारी भी मानसिक स्तर, क्रियात्मक स्तर पर तो धीरे धीरे आने ही लगता है, चाहे किसी वक्त की किसी काल की कला ही हो, जो जीवंत बनाता है वही सर्वकालिक उसको बनाता है। जी सर। और सर जैसे एब्स्ट्रैक्ट किसी को शुरू करना है बनाना, जैसे अगर तो हम कहें शुरुआत कि कैसे मोना कर लिसा की सकते रूप हैं? में मशहूर है, तो शुरुआत मतलब शुरुआत करने का तो कोई प्रस्थान बिंदु तो है नहीं, कोई ऐसी कोई डिमार्केशन लाइन नहीं है कि हम अगर इधर चले आएंगे तो वो ऐसा हो जाएगा। यह तो मतलब मैं कहता मैं मेरा कहना है कि ये चीजें निरंतर जो क्रियाशील रहेगा, जो निरंतर प्रयोग धर्मा रहेगा, जो निरंतर ऐसा करना चाहेगा, तो वो उसको उसको जानने समझने पढ़ने देखने और तमाम चीजों से वो चीजें, और फिर वो एक दिमाग बनेगा, और फिर आदमी अपनी अपनी शैली विकसित करेगा। तो दुनिया में किसी चीज को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो इच्छा ही की जरूरत है, विल पावर जी जिसको सर। कहते हैं, और उसकी समझदारी, तैयारी। सर जैसे ऐसा भी कहा जाता है सबसे कि पहले एब्स्ट्रैक्ट करने तो से पहले जैसे सर ऐसा भी कहा जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट करने से हेलो पहले हमें अपना नॉर्मल ड्राइंग भी प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है,
उसी में से हमें आइडियाज मिलेंगे एब्स्ट्रैक्ट के। जी हाँ बिल्कुल एकदम सही कहा आपने, बिना उसके तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ जैसे सकते। ड्राइंग तो अपना सही होना ही चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट करो चाहे ट्रेडिशनल करो चाहे कुछ भी कंटेम्प्रेरी करो, वो तो करना बट ही ड्राइंग का पड़ेगा। प्रैक्टिस तो कंपलसरी है। जैसे आपके जो लाइन दिमाग में चल हाँ रहा है वो लाइन आपके हाँ पेपर में चले उसके लिए भी आपका ड्राइंग सही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप और मेरे हिसाब से अगर किसी को देखो एब्स्ट्रैक्ट के जब ऊपर तक ज्ञान, इसकी आपका लाइंस और लाइन पर और रंगों, हेलो हाँ जी, और मेरे हिसाब से अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट में ध्यान देना है तो पहले हाँ दूसरे जो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है उनके आर्ट वर्क को स्टडी करना, उनके स्ट्रोक्स को स्टडी करना और उनके कलर स्कीम्स, उनका भाव, उनका जो लय है वो, तो वो सब स्टडी करके फिर उसके बाद इसको करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मुझे एब्स्ट्रैक्ट करना है तो चलो कुछ भी मतलब लाइंस खींच लिए पेपर पे और वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। उसका भी एक परफेक्ट उसका मीनिंग निकलना चाहिए या फिर उसका परफेक्ट कुछ परसेप्शन होना चाहिए, वो एक जरूरी चीज है, बराबर ना सर? हाँ, वो उसके बगैर वो, और सच पूछिए तो जो लोग ऐसे ही कुछ कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट के नाम पर, वो आ जाते हैं, वो दीर्घजीवी नहीं होते हैं। जी सर, जी सर, जैसे मैंने आपका वर्क देखा तो मुझे मतलब टाइटल भी देना चाहो तो आप खुद दे सकते हो, हमको तो टाइटल नहीं समझ में आएगा, पर उतना सुंदर है कि आपको इतने इससे आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये काम है और ये इतना खूबसूरत है, यही चीज मेन है। हाँ वो कई बार शक देते हैं टाइटल का मतलब, समझिए हम लोग वो मतलब आपको एक समुंदर में फेंक देते हैं तो ये पूरी इंटरव्यू और के फिर दौरान हमें उम्मीद ये है कि पता आप चला उसको पकड़ के कि निकल आओ। एब्स्ट्रैक्ट जो पेंटिंग होते हैं तो उसके अंदर भी जैसे बहुत सारे विषय पे हेलो सर, जी सर, हाँ ये बिल्कुल आवाज साफ है। अभी आपको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? हाँ, बोलिए। जी सर, बस सर अभी आप अपने आर्ट के बारे में और कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। अब आर्ट के बारे में विशेष रूप से अब मैं करीब करीब सारे उसके जो एलिमेंट संक्षेप में मैंने आपको बताया ही, बस इतना ही कहूंगा कि वो
यह एक नहीं है, कहीं भी कोई मंजिल नहीं है, कहीं कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। जी सर। और सर ये भी एक चीज आप इन लोगों को बता दीजिए कि जो प्रैक्टिस करना है वो किस तरह से चालू करना है। तो देखिए, वो तो आपने पहले ही कहा कि जो को पूरा ध्यान देना चाहिए, अभी अभी जो मतलब कला के टेक्निक हैं, टोन पर, लाइंस के कंट्रोल पर, वो स्टिल लाइफ बनाए बनाए हॉट काम करें, मॉडलिंग मॉडल को देख के बनाएं, वो एंटीक स्टडी करें, यही सब करें जो जो कि मतलब लोक कलाओं में जाएं, उनके पड़ताल करें। कला का मर्म हर जगह व्याप्त है, उसे ग्रहण करें, उससे सीखें, और फिर कलाकारों को देखें, पढ़ें, जानें, और कला का इतिहास, कला में कौन कौन कला के क्षेत्र में देश और क्या क्या होते रहे हैं, पहले वो मतलब रेनासा पीरियड से लेकर के और आज तक क्या क्या होता रहा है इस क्षेत्र में, इसका एक प्रॉपर जो है सो स्टडी भी होना चाहिए। उसको बिना बिना उसके भी हम खाली ही रहेंगे, इसलिए जो कला में जी ये सर। बहुत जरूरी है कि हम की उसका भी अध्ययन करें और तमाम चीजें वो करें जिससे हमारा स्किल डेवलप। जी सर। और सबसे ज्यादा ये सर सुविधा लाइव जो उसका भी आगे बढ़ स्केचिंग है सके। उस जी जी सर लाइव स्केचिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे ही हमको पदार्थ का साइज शेप सब समझ में आता है, और जी जिससे जी कि जी हम उसका मैंने जी हाँ जी मतलब डिफरेंट करके उसको एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे स्टूडियो में आप आए और जी आपके बिल्कुल इतने बिल्कुल सुंदर वर्क बिल्कुल हमें हम दिखाना चाहेंगे प्रेक्षकों को, कि जिनको भी आपके काम से इंस्पिरेशन मिले और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कैसे यूज हो सकता है वो आप बताओ। आप एक एक पेंटिंग हम रखते जाएंगे, आप इसके बारे में 2 वाक्यों में आप अपना विचार रखो प्लीज। सॉरी, बहुत सुंदर है। सर ये क्या मतलब इसका कुछ सर आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? स्क्रिबल आर्ट है, बट इसमें क्या मतलब एक लेडी एक हाँ, मोमबत्ती, व्हाट इज द ये एग्जैक्ट आइडिया बिहाइंड इट? के पंक्तियों में ही कहा जा सकता है या कि फिर एक शेर में कहा जा सकता जी सर, जरूर जरूर बताइए शेर में। है। तो मतलब जिंदगी है, और जिंदगी एक कैंडल की लौ की तरह, खुशी हो, गम हो, दुख हो, तकलीफ हो, आंधी हो, तो सर तूफान बहुत से ही जलना है, ज्यादा फिलोसॉफिकल और स्त्री भी जो होती जी जी, और इस होती है वो एक क्षमा की तरह ही होती है, जो जो बिना 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 किसी मतलब समय हर हाल में जी है, सहर होने तक, एक वो सुबह तक ना पड़े, खत्म होना पड़े। हाँ सर, इतना मतलब भावुक इसका प्रस्तुतिकरण है कि सही में जैसे इसको एब्स्ट्रैक्ट तो मैं कम बोलूंगी, इसमें तो सिर्फ भावनाएं ही भावनाएं हैं। और इसके अंदर मैं वापस से सर एक बार बता दूं प्रेक्षकों को कि सर ने इसमें एक मोमबत्ती दिखाई हुई है और इसके साथ एक स्त्री को दिखाया हुआ है, तो मोमबत्ती और स्त्री एक दूसरे के रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जैसे कि जैसे मोमबत्ती पूरा जल के उजाला फैलाती है, वैसे ही स्त्री किसी के जीवन में उजाला फैलाती है
और जैसे मोमबत्ती पूरा जलने के बावजूद भी लोगों को प्रकाश देती है, इसी तरह स्त्री भी लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाती है। और अपना जीवन भी मोमबत्ती की तरह ही रखना चाहिए कि जिससे लोगों को प्रकाश भी दो और अपने खुद को, खुद की भावना को कंट्रोल करो। ठीक है सर। जी, ये बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर व्याख्या की आपने। ये सर बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट था। और दूसरा जो ये जो विषय है, ये तो आपने इसके अंदर कविता भी डाली, जैसे आपकी कविता कविता चित्र जो होते हैं तो इसके हिसाब से ही ये बनाया। उसके अलावा और सर कौन से टॉपिक्स हैं आपके? जी हाँ, जी हाँ, जी, सर आपके आजू बाजू में कोई आपके पेंटिंग हो तो आप सर थोड़ा दिखा दीजिए। सर एक्चुअली नीलू जी के पास आपके पेंटिंग्स हैं पर वो इनके नेट डाउन होने की वजह से नहीं रख पा रही है, तो इफ में आप थोड़ा, हाँ थोड़ा दिखा दीजिए अपने पेंटिंग्स और उसके बाद पीछे का जो उद्देश्य है वो। हाँ, मैं जी सर अब जरा सीधा कर दीजिए पेंटिंग को थोड़ा सा ऊपर। ये थोड़ा असल में मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। जी सर दिख गया अभी थोड़ा सा। हाँ हाँ बस बस परफेक्ट सर बहुत सुंदर है। इसमें जो लाइट और डार्क का यूज किया है आपने बहुत सही से किया है, और इसका भी कुछ कुछ ना कुछ ये हुआ होगा, मतलब उसने इसके पीछे भी कुछ कहानी होगी, स्टोरी होगी। हाँ, इसमें क्या है, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें एक मतलब पूरे मतलब लाइंसों का, जितने भी लाइंस हैं, और ऊपर एक तरह से पूरे दुनिया का जो झंझावात है, जो जो जिंदगी में जो अच्छा कश्मकश है, वो उसको उससे शो किया गया, उलझे हुए उलझी हुई आकृतियों से। और नीचे वो एक स्त्री पुरुष हैं जो एक दूसरे में जी लगभग समाहित हैं। तो उससे क्या होता है अच्छा कि उससे जो एक दो से जब एक होते हैं, तो वो जो एक बल होता है, वह जो एक एनर्जी होती है, वह एक जो ऊर्जा होती है, उसको उस झंझावात से के अंदर सरवाइव करने से, वो सरवाइव करने के लिए वो उस झंझा में उसकी एका जो है, जो यूनिटी है, वो उसको मजबूती देती है। सर बहुत सुंदर कंसेप्ट। आप अगर भी माइंड नहीं करे तो एक ये कंसेप्ट अर्धनारेश्वर के साथ थोड़ा मिलना मिलता जुलता है, क्योंकि हमारे जो अर्धनारेश्वर का कंसेप्ट है उसमें भी जो नारी और पुरुष दोनों, पुरुष और जी, प्रकृति दोनों जब मिलते हैं तो उसके बाद जो संपूर्ण हो पाते हैं, और उसके बाद ही जो भी जिंदगी में तकलीफें आती हैं उसको, उसके सामना करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो यही पूरा आपने इसमें दिखाया हुआ है। तो सर जी। ये भले ही एब्स्ट्रेक्ट है पर उसका मीनिंग इतना सुंदर निकल रहा है कि लोगों को कुछ ना कुछ इसके अंदर से सीखने को मिले। और सर आज आपके साथ बात करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे एब्स्ट्रेक्ट पेंटिंग जो है वो जरूरी नहीं है कि भाव विहीन हो, उसमें भी आप अपने इतने सारे भाव डाल सकते हैं।
और इसका भी एक पूरा मीनिंग निकलता है और इसकी भी एक पूरी कविता बनती है या स्टोरी बनती है। तो ये सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एपस्टिक के बारे में इतना सब कुछ बताया और इतना सब आपने इसके लिए हमें जागरूक किया। इसे ये कौर है सर, ये वाटर कलर का है ना? आई थिंक उनसे संपर्क टूट गया है, परंतु ये वाटर कलर का एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हुए भी काफी सारे लय और सुंदर कार्विंग्स के साथ है, और उसके वजह से उसके अंदर का डेप्थ समझ में आ रहा है। कोई फेस है और ये फेस के आजू बाजू पूरा मतलब पेंटिंग है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। और ये चाहे इसको मतलब जैसे स्प्लैश करके बनाया हुआ है, तो फिर भी कुछ आकृतियां नीचे की ओर दिख रही है जो कि इसको सुंदर बनाती है, कुछ अलग ही रूप देती है। और पूरा कलर को स्प्लैश करके, वाटर कलर शायद है, वाटर कलर को स्प्लैश करके उनको बनाया गया है। नेक्स्ट, ये भी कुछ टेक्निक है टेक्सचर की, और उसमें से भी एक फेस कार्व किया गया है। तो ये एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, चाहे लगने में देखने में बहुत ही आसान लगे, परंतु इनका जो फेस बना हुआ है वो उन्होंने टेक्सचर के साथ मिला के बनाया हुआ है, तो इतना खूबसूरत भी लग रहा है। और ये टेक्निक जैसे बहुत ही ध्यान से देखने के बाद समझ में आएगी कि क्या शायद नेगेटिव पेंटिंग और सब टेक्निक्स यूज किया हुआ है। नेक्स्ट, एक और स्क्रिबल आर्ट, और ये स्क्रिबल आर्ट के अंदर कुछ आकृतियां दिख रही है। सर के साथ संपर्क टूटने की वजह से हम उसको उसकी डिटेलिंग नहीं समझ पा रहे हैं, पर बहुत ही सुंदर दिख रहा है और लाइट और डार्क का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, ये भी एक बहुत खूबसूरत टेक्सचर से बना हुआ पेंटिंग है, और ये टेक्सचर के अंदर अलग अलग आकृतियां दिख रही है, जैसे किसी का फेस है, कोई बर्ड दिख रहा है, या फिर मतलब पूरा एक अलग सा ही माहौल दिख रहा है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। ये करना बिल्कुल डिफिकल्ट चीज है, थोड़ा अभ्यास अच्छे से करने के बाद ही ये बना सकते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा एक्सपांड कर जो नीलू बेन, तो थोड़ी डिटेलिंग समझ में आवे। से ये भी ड्राई ब्रश टेक्निक से बनाया गया एब्स्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है, और बहुत ही सुंदर बना गया है। नेक्स्ट, ये भी लाइंस और वाटर कलर का मिक्सचर है, इसको लाइन एंड शेड शायद कह सकते हैं, तो उसका भी बहुत ही सुंदर संयोजन किया गया है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो हमने बीमल विश्वास सर के बहुत सारे पेंटिंग देखे, और सब पेंटिंग में अलग ही प्रकार की सुंदरता है, और उसके अंदर अलग अलग तरीके के टेक्सचर और लाइंस वगैरह का यूज करके बहुत ही सुंदर आकृतियां बनी बनाई गई है, और उसको अलग ही तरीके से प्रेजेंट किया गया है, कलर कॉम्बिनेशन और वो भी सब बहुत ही सुंदर है। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुखोटे आर्ट ग्रुप फाउंडेशन हमारा जो ग्रुप है, उसमें अभी हम मुखोटे आर्ट चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप अपना आर्ट वर्क और नाम वगैरह भेज सकते हैं नीचे कर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, और
इसके अलावा हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि एग्जीबिशंस, ऑनलाइन वर्चुअल एग्जीबिशंस, और एक-एक से बेहतर पेंटिंग दिख रहे हैं स्क्रीन पे, आप उसको भी देखते रहिए और मेरी बातें भी सुनते रहिए। तो जैसे ये सारी एक्टिविटीज में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे मुखोटे आर्ट ग्रुप का फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करते रहिए, जिसके ऊपर ये सारी एक्टिविटीज के बारे में विस्तार से बताया गया जाता है। इसके अलावा हमारा एक सुंदर सा मैगजीन है मुखोटे आर्ट का, वो मैगजीन में आप अपनी कोई भी कला को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि किसी को राइटिंग का शौक है, कुछ लेख लिखते हैं आर्ट के बारे में या कुछ और विषय पे, या फिर आप कविता लिखते हैं, आप सुंदर चित्रकारी करते हैं, आपको कुछ भी लिखना है, जो ब्लॉग लिखते हैं, कोई ट्रैवल ब्लॉग लिखते हैं, वो सारी चीजें हम हमारे मैगजीन में प्रकाशित करते हैं। तो आप उसको भी एक बार देखिए और आप अपने हिसाब से जो योगदान उसके अंदर दे सकते हैं वो दीजिए, जिससे कि हमारा मैगजीन आगे सबसे आगे रहे और बहुत सारी चीजें उसमें हम सम्मिलित कर सके। और नीचे दिए गए हमारे सारे कॉन्टेक्ट्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुकुट आरती को। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। और जैसे इतने सुंदर चित्र हैं उनके बारे में मैं काफी जानना चाहूंगी, शायद मैं उनसे डायरेक्ट बात करके भी पूछूंगी कि ये चित्रों के अंदर क्या रहस्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत सुंदर। लाइंस का बहुत बेहतरीन यूज किया गया है पेंटिंग के अंदर। तो मेन चीज तो यही है कि एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए पहले अपने लाइन ड्राइंग और अपना परसेप्शंस ठीक कीजिए, कौन सी चीज कैसे ड्रॉ की जाती है वगैरह की प्रैक्टिस होना जरूरी है। वेरी ब्यूटिफुल बॉक्स, वाओ, ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले शनिवार को।